हेलो गाइस, मैं हूँ सुप्रीति और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे फोर में। डे वन पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको किसी काम को करने वाले हो तो आप अपने से इंग्लिश में बोलिए। जैसे मान लीजिए आप ब्रश करने जाते हैं तो आप बोलिए आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं ब्रश करता हूँ दांतों पे। ये बात मैं डे वन पे बताई, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए, आपके रूटीन को बनाने की कोशिश की। डे टू पे मैंने आपके प्रोनाउंसिएशन पे वर्क किया। डे थ्री पे मैं बताई जो भी काम आप कर रहे हो आप उसे अपने मुंह से बोलिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नहा रहा हूँ आई एम टेकिंग बाथ, और आई एम बेदिंग। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे बोलते हुए करें। आज डे फोर है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, आपकी ज़ुबान पे इंग्लिश लाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो सबसे पहले देखिए दोनों व्यक्ति के बीच का कन्वर्सेशन। पहला कन्वर्सेशन, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? वाकई की जगह पे मेरे मुंह से निकल सकता था सच में, ओके? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। तो यहाँ पे मैंने सच में की जगह वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे, और इसका इंग्लिश हो जाता है डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। यहाँ पे आप रियली की जगह पे ऑनेस्टली, ट्रूली या सीरियसली कुछ भी बोल सकते हो, और यू विल बी एबल टू इसका हो जाता है कुड भी आप बोल सकते हो, कर पाना यानी कुड। तो डू यू ऑनेस्टली थिंक यू कुड डू इट, डू यू ट्रूली थिंक You do it, या do you really think you will be able to do it? कोई भी सेंटेंस आप कैसे भी बना लो, लेकिन उसका मीनिंग सही होना चाहिए, मीनिंग सही आना चाहिए, है ना? कि मीनिंग सामने वाले को समझ में आए। फिर अगला देखिए, हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। Yes, definitely, it's a child's play for me. Definitely की जगह पे आप of course बोल सकते हो, Yes, of course, it's a child's play for me. या Yes, of course, child's play की जगह पे piece of cake या nothing for me. Piece of cake यानी इसका मतलब है हल्का सा, थोड़ा सा, ये कोई बात नहीं। तो Yes, of course, it's a piece of cake for me. कुछ भी आप बोल सकते हो, बस इसका सेंस सही होना चाहिए। फिर अगले कन्वर्सेशन पे चलते हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आई थिंक यू आर किडिंग मी। यहाँ पे की का मतलब है दैट, ओके? तो की के लिए दैट का यूज भी कर सकती थी, पर बोलते वक्त आप बिना दैट का ही सेंटेंस बना लेते हैं, और या पर मैंने कॉमा का यूज कर लिया। पर अगर बोलते वक्त दैट बोला होता तो कॉमा का यूज नहीं करते। कन्वर्सेशन में जितने भी कम वर्ड यूज करें आप उतना बेहतर, लेकिन सेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए, है ना? ये तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि कैसे भी सेंटेंस आप बना लो, लेकिन सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल सही बैठना चाहिए। फिर अगला कन्वर्सेशन, बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉट एट ऑल, इट्स रियली नॉट मोर देन चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। तो नॉट एट ऑल की जगह पे आप नॉट रियली भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। नॉट रियली
इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. ओके, अगला कन्वर्सेशन देखते हैं. देखते हैं तुम पर पाते हो या नहीं. देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेट सी वेदर यू कुड डू इट और नॉट. यहां पे वेदर का मतलब है कि. ओके, डू इट और नॉट, और यानी या. तो ये जो की और या का कॉम्बिनेशन होता है, इसके लिए हम वेदर और का यूज करते हैं. ये कंजंक्शंस है. अच्छा, अब आप सोचेंगे यहाँ की हो, आपने बोला ही नहीं. यहाँ की तो आपने बोला ही नहीं, तो मैं की बोलती चाहे मैंने नहीं बोला तो क्या इससे फर्क पड़ता है. सेंस तो बिल्कुल सेम आ रहा है. हिंदी में आप की बोल भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन जब आप इंग्लिश बनाते हैं तब आप सेंस के हिसाब से बनाते हैं. ऐसे सेंटेंस में आप वेदर और का यूज करते हैं जहाँ पे नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है. तो यही तो इंग्लिश की स्पेशलिटी है कि आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बनाते हैं. हर बार ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, यही स्टैंडर्ड तरीका है ना. देखिए, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जितने भी अंडरलाइन जो भी सेंटेंसेस मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है. अगला ट्रांसलेशन देखिए. क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है. वाई, व्हाट हैपेंड, डोंट यू ट्रस्ट मी. यहाँ आप वाई के जगह पे ऑफ कोर्स, व्हाट हैपेंड, डू यू नॉट ट्रस्ट मी. डोंट की जगह पे आप डू यू नॉट का भी यूज कर सकते हैं. तो डोंट, ये भी मतलब जल्दी अगर सेंटेंस होता है, बोलते हो आप कोई सेंटेंस, तो आप डोंट भी यूज कर सकते हैं. जो जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया, मतलब जिनको अच्छे तरीके से जिनको आता है इंग्लिश, तो वो डोंट ही बोलते हैं. डू यू नॉट का यूज कम करते हैं, क्योंकि इससे सेंटेंस जो होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है. तो हम क्या कोशिश करते हैं कि सेंटेंस जितना छोटा हो और मीनिंगफुल हो उतना ही बेहतर होता है. चलिए मूव करते हैं अगले कन्वर्सेशन पे. नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैंने आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा है जो ये कर पाए. नथिंग लाइक दैट, बट आई हैवन्ट सीन इवन अ सिंगल पर्सन इन माई लाइफ हु कुड डू इट. नथिंग लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं है, इसका मैंने अंडरलाइन किया है. इसका जो हिंदी है वो है नहीं ऐसा नहीं है. फिर अंडरलाइन देखिए, हु कुड डू इट, इसका जो इंग्लिश है ये कर पाया है ना, हु कुड डू इट. फिर अगला ट्रांसलेशन, लेकिन आज तुम ऐसा व्यक्ति देखोगे. बट टूडे यू विल सी सच अ पर्सन. बट टूडे यू विल सीन सच अ पर्सन. जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको ध्यान से देखना, ठीक है. अच्छा ठीक है, अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा. ओके फाइन, इफ यू डू इट आई विल गिव यू ₹5,000. इतने बड़े रिस्क के लिए केवल 5,000 रुपये, कम से कम 10,000 ऑफर करो. ओनली ₹5,000 फॉर सच अ ह्यूज रिस्क, एटलीस्ट ऑफर ₹10,000. सारे अंडरलाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है. चलिए फिर देखते हैं कन्वर्सेशन. ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा. ओके आई विल गिव यू ₹10,000. पैसे तैयार रखना, तुम हारने वाले हो. कीप द मनी रेडी, यू आर गोना लॉस.
देखते हैं समय बताएगा. लेट्स सी टाइम विल टेल. लेट्स सी टाइम विल टेल. अब ये रहा हमारा तो कन्वर्सेशन. तो गाइस अब तक आपने क्या देखा कि पहले मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, फिर तुरंत उसके बाद इंग्लिश बोला. तो जब और जिस दिन आपके मन में आने वाला हिंदी हर सेंटेंस आप तुरंत इंग्लिश में बोलने लगोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाएंगे, उस दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. और मैं जो स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग है मेरी कि इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जब 90 to 100 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंग्लिश आपके मुंह से निकलने लगेगी. इसीलिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं. जैसे कि मैं जानती हूँ इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश कन्वर्सेशन को, इंग्लिश कन्वर्सेशन को डेली बेसिस एवरी डे सुनना. तो हो सकता है मैं अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे डेली एक कन्वर्सेशन आप सुनेंगे. डेली डेली का मतलब है डेली, ये नहीं कि आज सुना फिर चार दिन बाद एक ऐसे नहीं, डेली सुनना है. रोज मॉर्निंग या इवनिंग जब भी आपके पास टाइम हो आप कन्वर्सेशन को देखिए, एक नहीं एक नई कन्वर्सेशन डेली आपके लिए मिलेगी. फिर दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एवरी डे. इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, यानी कि आपके सामने एक हिंदी में सेंटेंस हो उसका इंग्लिश बोला जाए, आपने सुन लिया, अब आप अपने मुंह से इंग्लिश बोलिए. इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस आपको करनी है. फिर तीसरा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एवरी डे. तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डेली आपको एक पैराग्राफ ऐसा मिलेगा जो हिंदी में हो और उसकी इंग्लिश लिखी हो, ताकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑन अ डेली बेसिस आप करें. फिर अगला इंग्लिश रीडिंग एवरी डे. ये इंग्लिश रीडिंग देखिए ये तो आपको डेली करनी चाहिए. जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, उतना इंग्लिश आपके ज़ुबान में फिट होने लगेगी. सेंटेंस स्ट्रक्चर. अच्छा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है तो सेंटेंसेस को बनाना आपको आनी चाहिए, जिसके लिए तो आप पढ़ते हैं वर्ब्स, मोडल्स, टेंसेस, सिंपल टेंसेस, है ना. फिर है डे टू डे वोकैबुलरी. खैर ये तो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है जैसे जैसे आप सेंटेंसेस पढ़ते हो अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, नीडेड है. ओके, मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती हूँ कि 90 to 100 डेज में आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी ज़रूर. बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए डे वाइज अपलोड करती हूँ, बस आप उनको आप ध्यान से पूरा देखें. चाहे आपको ये लगे कि टॉपिक थोड़ा सा इजी है, फिर भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए. क्योंकि बहुत सी बातें मैं स्टार्टिंग में नहीं बताती हूँ कि मैं ये चीज़ें कवर कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें आगे कवर हो रही हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. आज के लिए यहीं तक. अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।